हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओगी इनो टोकन के न्यू अपडेट, न्यू पार्टनरशिप एंड साथ ही में क्या इसको इस समय होल्ड करना चाहिए या नहीं, क्या ये बुल रन में हमें 100x का रिटर्न दे सकता है या नहीं। इसकी जो करंट प्राइस है वो 0.10 के बाद $2.5 चल रही है। आप इसका एक दिन का ग्राफ देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल से ये रेड कैंडल यानी कि डाउन की तरफ जा रहा है। इसका मार्केट कैप फिलहाल $3 मिलियन का है एंड इसका जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप है वो $44 मिलियन के लगभग है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। 10x से लेकर 15x के बीच में ये डाउन चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा होल्डर को इसमें लॉस भी हुआ है, क्योंकि वो इसको ऑल टाइम हाई पर बाय कर रखे हैं जिससे उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। एंड जो इसको होल्ड कर रहे हैं वो इसको नेक्स्ट बुल रन तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन में ये हमें आसानी से 100x का रिटर्न दे सकता है। एंड जो नए इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी फ़िलहाल डाउन आने का वेट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा डाउन हमें इसमें देखने को मिल सकता है एंड काफ़ी शानदार प्रॉफिट आपको नेक्स्ट बुल रन में हमें इस टोकन में देखने को मिलेगा। साथ ही में इसके ट्विटर अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप इनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, 25,800 फॉलोअर्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया था 4 घंटे पहले, जिसमें इन्होंने बताया कि ये मतलब लिक्विडिटी को ये एक्सटेंशन करना चाहते हैं, यानी लिक्विडिटी आगे नेक्स्ट ईयर तक बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगले साल जो आएंगे उसमें ये बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी लॉक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी को 2 साल लॉक किया जाए या 3 साल लॉक किया जाए या 4 साल लॉक किया जाए या 5 साल से ज़्यादा लॉक किया जाए, तो इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आई है वो 5 साल से अधिक के लिए आई है, यानी कि ओगी इनो टोकन की जो लिक्विडिटी है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए लॉक किया जाए, ऐसा यहाँ पर वोटिंग चल रही है। और वोटिंग में जो सबसे ज़्यादा वोट आया है वो 5 साल से अधिक के लिए आया है। अब अगर इसका आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन 19 घंटे बाद इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो भी होगा उतने दिन की इनकी लिक्विडिटी लॉक हो जाएगी, और इनकी जो लिक्विडिटी है वो लगभग लगभग अभी के हिसाब से 5 साल के लिए लॉक हो सकती है। इनका जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अमेजोन की तरफ से। यहाँ पर एडवर्ड ने एक ट्वीट किया था, अमेजोन के ट्वीट पर एक कॉमेंट किया था, आप देख सकते हैं ये अमेजोन वेब सर्विसेज, यहाँ पर इन अमेजोन का अकाउंट है जिस पर एडवर्ड ने कमेंट किया था, ग्रेट कम्युनिटी एंड हार्ड वर्किंग टीम विद ग्रेट यूटिलिटीज नाउ एंड कमिंग, यानी कि इसकी जो ओगी इनो की कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, हार्ड वर्किंग करती है एंड ग्रेट यूटिलिटीज़ के साथ ये काम कर रहे हैं, और काफ़ी शानदार यूटिलिटीज़ आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। जैसे कि इनका ओगी यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं ओगी इनो का, तो यहाँ पर अमेजोन ने ट्वीट वापस रिप्लाई किया है, यानी कि कमेंट का रिप्लाई किया है, थैंक यू सो मच मीन्स अलॉट, यानी कि अमेजोन का ध्यान ओगी इनो पर आ चुका है क्योंकि अमेजोन ने यहाँ पर कमेंट कर दिया है। तो आने वाले वक्त में अमेजोन भी ओगी इनो को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर अमेजोन ओगी इनो टोकन को एक्सेप्ट करता है तो ओगी इनो टोकन के लिए हमें ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि ओगी इनो के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। एंड जो होल्डर है जो इसको होल्ड कर रहे हैं वो नेक्स्ट बुल रन तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है एंड फिलहाल मार्केट सिचुएशन काफ़ी ख़राब भी चल रहा है, कभी डाउन कभी पंप कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए जब तक बिटकॉइन अपना अच्छा परफॉर्मेंस एंड ऑल टाइम हाई टच नहीं कर लेता कोई भी टोकन्स में हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप नेक्स्ट बुल रन तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बुल रन हमें 2024 के एंड तक या 2025 तक देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।